In this module, we will discuss the unsaturated fatty acids of physiological and nutritional significance. And th in this module, we will discuss individually of different physiological, nutritional significant, fully unsaturated fatty acids. And this module is whole in the tabulated form. And tables may isko define karenge. This is the mono -noic acid having. One double bond. First one is the pometolic acid. Pometolic acid is present in nearly all fats and it is having a 16 carbon compound with one double bond at the ninth position and having this is an omega 7 fatty acid. Next, monoanoic acid is the oleic acid, which is also having a single double bond at ninth position but it is an 18 carbon compound and it is a omega 9 fatty acid possibly the most common fatty acid in natural fats particularly in the olive oil olive oil canther syrup joanna most common fatty acid you have concentration the other this is the oleic acid and has, this is omega 9 fatty acids और इसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने कुछ मॉड्यूल में डिफ़ाइन किया था कि ये अगर एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड हो और उसकी हम हाइड्रोजनेशन करें तो वो कुछ फैट्स बन जाते हैं विच आर अनडिज़ायरेबल लेकिन यहाँ पे हम जो ट्रांस फैट्स जो हैं वो अनडिज़ायरेबल भी हैं और इंजूरियस टू हेल्थ हैं लेकिन ओलेव ऑयल की अगर हम यहाँ इसकी हम हाइड्रोजन करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही ओनली वन जो है वो डबल बॉन्ड है तो यहाँ फैट बनने के कुछ चांसेस नहीं है तो ऑलिव ऑयल की मार्जिन जिसको ग्रूव्स भी बोलते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं डिफरेंट नामों के साथ ऑलिव ऑलिव ग्रूव्स एंड सो ऑन तो उसके अंदर फैट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट निल होते हैं सो दिस आर नॉट इंजूरियस टू हेल्थ एट ऑल दिस इज ददर मोनो एनॉक एसिड हैविंग वन डबल बॉन्ड विच इज एसिड इट इज hydrogenated and a ruminant fat ruminant fats come detail may define karenge in next few, few modules this is again the omega-9 fatty acids having eight carbon compound with one double bond at ninth position then is the dianic acid is double bond bond. this is linoleic acid हमने इसको डिफाइन किया काफ़ी डिटेल में कि लिनोलिक एसिड से आगे क्या बनता है इसे ये ओमेगा सिक्स फैटी एसिड है और इससे हमने बोला रेक्डॉनिक एसिड बनेगा एसिड रेक्डॉनिकोसोनाइट बनाएंगे इकोसानाइड्स वो वाले बनाएंगे कि जो प्रो इनफ्लेमेटरी हैं विच आर इंजूरियस टू हेल्थ तो दिस इज अगेन एंड एटीन कार्बन कंपाउंड विद टू डबल बॉन्ड्स एट नाइन पोजिशन एंड ट्वेल्थ पोजिशन एंड दिस इज मोस्टली प्रेजेंट इन दॉर्न पीनट्स कॉटन सीड ऑयल कॉटन सीड ऑयल जो हमारे बहुत सारे बनास्पति घी जिससे बनते हैं वो कॉटन सीड ऑयल है जिसको हम उर्दू में बनोले का तेल भी कहते हैं सोयाबीन ऑयल एंड मैनी प्लांट ऑयल्स दिस इज टेबल डिफाइनिंग दायानोइ एसिड इसका मतलब है कि इसमें तीन डबल वॉन्ड है दिस गैमा लिनोलिनिक एसिड एंड अल्फा लिनोलिनिक एसिड गैमा लिनोनिक एसिड इज ओमेगा सिक्स फैटी एसिड हैविंग एटीन कार्बन कंपाउंड विथ थ्री डबल बॉन्ड्स एट सिक्स नाइन एंड ट्वेल्व पोजिशन एंड लिनोलनिकसिड और अल्फा लिनोलनिकसिड इज ओमेगा थ्री और ओमेगा थ्री से हमने कहा था वो वाले बॉन्ड बनते हैं जो कि बेनिफिशियल है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है दिस इज अगेन हैविंग द एटीन कार्बन विद थ्री डबल बॉन्ड एट नाइन ट्वेल्व एंड फिफ्टीन पोजिशन दिस गैमालीनोलिनिक एसिड इज प्रजेंट इन दी सम प्लांट्स ऑयल्स और एग्ज़ाम्पल प्राइम रोज ऑयल बोरेज ऑयल एंड माइनर फैटी एसिड इन एनिमल्स ये अगर हम इसको प्राइमोज प्राइम रोज ऑयल को डिफाइन करेंगे तो इसको उर्दू में गले फनजानी भी कहते हैं इट इज़ यूज इन स्किन केयर प्रोडक्ट इसी तरह बोरेज ऑयल को हम गले गाओ जबान भी कहते हैं सो दिस इज अगेन फ्राम द्लांट सोर्स गैमालेनोलिनिक एसिड हमने डिफाइन किया इट इज एन अदर सॉरी अल्फा लेनिक लिनोलिनिक एसिड इज एन अदर असेंशियल फैटी एसिड एंड फ्रीकुंटली फाउंड विद द लिनोलिनिक एसिड लिनोलीक एसिड पिछली स्लाइड में हमने लिनोलिक एसिड देखा था कि लिनोलीक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड जो है ना वो कंबाइंड मोस्टली ये, उसमें होते हैं लेकिन पर्टिकुलरली लिनो लीक एसिड इज इस प्रेजेंट इन दिन सीड ऑयल लिंस ऑयल को उर्दू में हम अल्सी भी बोलते हैं अल्सी भी बारीक बारीक बीज होते हैं उसका तेल होता है तो प्योरली लिनो लिनिक एसिड इज इन ऑयल बट इट इस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉटन सीड ऑयल इन दी सोयाबीन ऑयल एंड सो ऑन नेक्स्ट इज द इसके अंदर फोर डबल बॉन्ड्स हैं इट इज अरेक्डोनिक एसिड हमने पिछली स्लाइड में पिछले मॉड्यूल में डिफाइन किया ये ओमेगा सिक्स फैटी एसिड है ट्वेंटी कार्बन कंपाउंड है फोर डबल बॉन्ड्स हैं एंड फाउंड इन एनिमल फैट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन द फॉस्फोलि एंड इन द सेल मेम्रेन एंड दिस एरेक्डोनिक एसिड जो हमने बोला था थाज बनाता है वो प्रो इनफ्लेट है नेक्स्ट इज द pentanoic acid having five double bond and this is limonodonic acid this is again an omega 3 fatty acid which is again having 20 carbon compound with five double bonds and the important components from which it is gained or occurrence is in the cod liver oil and the salmon fish oil and different other fish oils, ionic acid having the six double bonds as the name indica indicates hexa. So this is the carbonic acid and having the twenty two carbon compound with six double bond and this is again an omega three fatty acid. This is also present in fish oils, phospholipids, and in brain. So, this is the brief introduction to the different fatty acids which are physiologically important and their occurrence in the nature. Kaha nature may present in plants, in seeds, in plant seeds, mein, and some are in the fish and cod liver oils. So, this is the different. Forms of fatty acids which are, there, which are physiologically important and their occurrence in the nature.